हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर फिर से मैं आपके साथ एक मिठाई लेकर शेयर कर रही हूँ, जो कि है नारियल की बर्फ़ी। और ये बहुत ही ईजीली, जैसे हमने कल काजू फ्रूट बर्फ़ी बनाई थी ना, तो सेम ऐसे ही है। बहुत ईजीली मात्र आधे घंटे के करीब तक है ना ये भी बनकर तैयार हो जाती है। उसके लिए यहाँ पे मैंने पाइया के करीब जग जो है यानी 250 ग्राम के करीब दूध लिया है, 200 ग्राम जो है मैंने नारियल का बुरादा लिया है, और यहाँ पे 100-150 के करीब तक चीनी है। मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला था आप शक्कर में बनाते हैं तो मतलब चीनी में ऐड करके कोई चीज़ें बताइए, तो मैं अब जो है मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले जो दूध है हम एक बार इसको बॉईल कर लेंगे। आप ऑलरेडी पहले बॉईल किया हो या कच्चा, जो भी मर्जी है आप दूध ले सकते हैं। जैसे ही दूध बॉईल हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने चीनी ऐड कर देनी है। और जो हमारी देखिए बॉईल हुआ दूध हमारा ये बिल्कुल वाइट में है, जैसे इसके अंदर चीनी की चाशनी बनेगी ना, ये ट्रांसपेरेंट दूध बनना यानी जैसे कच्ची लस्सी जैसा दूध यानी वाइट जो है ना वो ऑफ वाइट में आ जाएगा। तो वहाँ पर हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है। बहुत इजी है, बिगनर बच्चे हैं वो भी इसे बना सकते हैं, मेरी बहनें इसे बना सकती हैं। और जैसे कि आपको पता है आगे सावन आ रहा है, सावन के बाद रखड़ी आएगी और त्योहारों की लड़ियाँ शुरू हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई बाहर से ही मिठाई लेकर आए, मेरी तरह घर पे मिठाई बनाने वाले भी बहुत हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो दूध जब ट्रांसपेरेंट हो गया, मैंने यहाँ पे 2-3 जो है इलायची डाल ली। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, तो ये भी ऑप्शनल है। यहाँ पे आप केसर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं आपको जैसे दिखा रही हूँ ना, दूध का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर आप जो है नारियल का बुरादा डाल सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर आप कच्चा नारियल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो दूध की मात्रा थोड़ी सी उस अलग से डालिए, क्योंकि और उसमें देसी घी का ज़रूर ऐड कीजिए। कच्चा और नारियल में, सूखा नारियल के अंदर जो मेरी बहनें हैं या बच्चे इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, नारियल के बुरादे के अंदर ऑलरेडी घी होता है, वो अपना घी भी रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर मैं कोई देसी घी इस्तेमाल नहीं करूँगी। जैसे कि मैं काजू की बर्फ़ी में मैंने 1 चम्मच के करीब देसी घी इस्तेमाल किया था, तो यहाँ पर मैं किसी तरीके का कोई देसी घी इस्तेमाल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने 3-4 चम्मच और इसमें जो है मिल्क पाउडर भी ऐड किया है। तो अच्छे से इसको है ना कड़छे के उल्टे हिस्से से घुमा घुमा के इसका जो ऑयल है ना उसको हमें रिलीज़ करके और थोड़ी थिक फॉर्म में लेकर आना है। बहुत इजी है, मिठाई का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। बचपन में हम अपनी नानी के घर में है ना, हमारे यहाँ पे पंजाबियों में खोपे वारे जाते हैं, उसके बाद जो खोपे इकट्ठे हो जाते हैं ना, उसकी ये बहुत मिठाई बनती है। तो देखिए इस तरीके से मैंने ना इसके 2 हिस्से कर लिए, एक हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया है और एक हिस्सा कम है। एक हिस्सा हम साइड में रख लेंगे। अब जो बड़ा हिस्सा है ना, यानी मुझे ऊपर और नीचे की लेयर येलो रखनी है। आप कलर में बना रहे हैं तो आप अपना कोई भी कलर फूड जो है अपनी मर्जी का मनपसंद कर सकते हैं। इस तरीके से बटर पेपर रख के यहाँ पर जो है मैं, जैसे ही मेरा येलो वाला हिस्सा पक गया है तो यहाँ पे इसको फैला लूँगी, ठंडा हो जाएगा बाकी का जो हिस्सा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, येलो के भी मुझे 2 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा मैंने ये फैला लिया है और इस तरीके से अच्छे से इसे दबाकर एक सार कर लीजिए। आप कटोरी का जो पिछला हिस्सा है, बेलन है, इस तरीके से आप कटोरी का हिस्सा लेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छे से होगा। और यहाँ पर एक और मैं छोटी सी आपकी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरी ये छोटी सी जर्नी जब से शुरू हुई है तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया है। मुझे नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसे डिमोटिवेट होने का भी कोई मौका मत दीजिए। तो देखिए जैसे मैं सातों साथ ही मैंने 1 by 1 ऑरेंज की लेयर और येलो लेयर ऊपर से फिर से ड्राई फ्रूट करके इस तरीके से आप कोई भी शेप में जो है बर्फ़ी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं अभी जैसे आपके साथ शेयर कर रही थी, जब से मैंने ये जर्नी शुरू की है आप यकीन मानिए पता नहीं क्यों मुझे 100 लोगों ने सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब किया है। देखिए यहाँ पे मैं आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं मांग रही हूँ, एक छोटा सा सपोर्ट मांग रही हूँ। और प्लीज़ मेरी प्लेलिस्ट पहले देखिए फिर मुझे जज कीजिए। और अगर जो लोग मुझसे शुरू से जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ अपने आस पड़ोस, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और मुझे भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब